जय बेटे, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। देखो आंटी, जय को बोलो वो अपुन के साथ खेलता नहीं है। वो कैसे खेलेगा आशा, उसे दिखाई नहीं देता। उसे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मुझे तो दिखाई देता है, मैं उसकी आंखें बन जाऊंगी। धत पगली। अरे ए, बोल देना। अरे ये तो सूरदास है, अभी इसे देवदास बनाता हूँ। तू अंधा है लेकिन बहरा नहीं। रख पाओ पटाखों पर, रख पाओ। बेटे तू कमजोर बनेगा तो ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। आ मेरे साथ, मैं तेरी हर कमजोरी को ताकत में बदल दूंगा।
मैं देखता हूँ। मैं यहाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैनेजर साहब हैं? जी हाँ। यस। नो प्रॉब्लम। मे आई कम इन सर? यस। थैंक यू। ओके, टोकन नंबर 12 प्लीज। आपका बैंक हमारे कब्जे में है, सारा माल हमारे वाले कर दो वरना। टोकन नंबर 13 प्लीज। टोकन नंबर 13 प्लीज। अंधे हो क्या? टोकन तो ये पड़ा, ये लो। प्रिया बेटी, ऐसा नहीं कहते, सॉरी बोलो अंकल को। कोई बात नहीं अंकल। बहन जी, अंधे को अंधा नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी। थैंक यू बेटा। बेटे तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो हेलो पुलिस प्लीज, हेलो। अरे चल चल। थैंक यू। भगवान ने मुझे इतनी दौलत दे रखी है कि मैं गिन नहीं सकती, लेकिन औलाद एक ही दी है। आज इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई नहीं मार सकता। केली जी, ये मामूली सा कागज का टुकड़ा है। क्या है ये? ये 5 लाख रुपए का चेक है। नहीं बहन जी, एक अंधा इसे लेकर क्या करेगा? रख लीजिए ना प्लीज। मैं क्या करूँगा? समझिए, बड़ी बहन से छोटे भाई को एक तोहफा। एक मिनट प्लीज। पागल तो नहीं हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं तो अब कर रही हूँ, तुम तो कर चुके हो। क्या कर चुका हूँ? भागीदारी में फांदेबाजी। फांदेबाजी? कैसी फांदेबाजी? हाँ हाँ हाँ, बनो मत, 5 लाख आधा 2.5 लाख हाथ पे रखो। 2.5 लाख? अबे तेरे बाप ने भी 2.5 लाख देखे कभी? नहीं देखा, इसीलिए तो जल्दी मर गया, लेकिन उस बाप की ये बेटी जरूर देखेगी। निकाल फटाफट। अनीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझ जैसे फकीर के पास 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? क्यों, तो ये क्या है? अरे अरे अनीता, मेरी मेरी फोटो। अब बोल, इस औरत ने तुझे 5 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए? ठहर, मैं समझ गया। इधर देख, ये मेरा हमशक्ल है, इसका नाम जय है। इसने बैंक में डकैती होने से बचाया, जिसकी वजह से इसे 5 लाख रुपए इनाम मिले। इसका मतलब एक टिकट में 200 200। अरे जब इंटरवल तक किशन बनकर कुछ नहीं मिला तो इंटरवल के बाद जय बन जा। मतलब इसका मतलब, अरे निकल पड़ी मेरी। अरे बस यही रोको, ये रहे तुम्हारे पैसे।
कीप द चेंज। चलो संभल के। अरे आप आइए आइए, धन्य बाग मारे जो आप मारे इस दुकान में पधारे। आप मुझे जानते हैं? अजय भाई आपने कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा आपके कारनामों से परिचित है। वो बैंक की डकैती में जो हीरो का रोल आपने तो निभाया था जी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं? ये मेरी मंगेतर है, नमस्ते। इनका कल जन्मदिन है, इन्हें मैं तोहफा दिलवाने लाऊं आपकी दुकान से? भाई आपकी दुकान है, जो आपको पसंद है कहिए। अनीता खुद ही चुन लो क्या चाहिए तुम्हें। कोई खूबसूरत सा सेट। अभी लो जी। ये कैसा लग रहा है? मेरे मन की आंखों ने हमेशा तुम्हें अप्सरा के रूप में देखा है। बात तुम्हारी पसंद की है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो इसे। रियली? ये कितने का है? जी सिर्फ 4 लाख रुपए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत महंगा है। पसंद की कोई कीमत नहीं होती। अनीता मेरी चेकबुक देना। सेठ जी आपको चेक चलेगा? जी 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 वो जी मेरी मजबूरी है। आप जानते हैं कल ही मुझे 5 लाख का चेक मिला, आजकल में कैश हो जाएगा। अगर आपको एतराज है तो ये सेट आप वापस ले सकते हैं, हम किसी और दुकान में जाकर। अरे भैया क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, बस एक बेनती है, हो सके तो आप चेक बेरर दे दीजिए, मैं कैश करा लूंगा। आई डोंट माइंड, अनीता सेठ जी का चेक बना दो। ओह श्योर। जय साइन करो। जी चेक? जी क्या करूं, मजबूरी है, कल ही मुझे 5 लाख का चेक मिला, आजकल में कैश हो जाएगा। अगर अगर आपको एतराज है तो ये सेट आप वापस ले लीजिए, हम किसी और दुकान में। अरे नहीं, काय को शर्मिंदा कर रहे हैं, लीजिए ये लाइए। ये लो चेक, साइन करो। शुक्रिया। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चलो ये रहा आपका चेक। थैंक यू। ये लीजिए आपका हार। थैंक यू। बताओ तो क्यों बुलाया गया है मेरे बेटे को? हाँ साहब यही है, इसने हम सबको उल्लू बनाया। इंस्पेक्टर साहब ये सब यहाँ। ए हीरो ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, ये पुलिस स्टेशन है, तेरा कोई नाटक इधर नहीं चलने वाला। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इंजोरियों का कहना है कि कल आपके बेटे ने इनकी दुकानों से लाखों रुपए के गहने खरीदे और उनका जाली चेक देकर फरार हो गया। व्हाट नॉनसेंस, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। बरोबर बोलियो छोकरा, गलत फहमी नहीं होती तो थारे जीना चोर पर विश्वास कौन करतो। देखिए मिस्टर आप तमीज से बात कीजिए। अरे वाह उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी डू माय जॉब। आपका नाम? जय, जय वर्मा। आप करते क्या? आई टीच मार्शल आर्ट्स। आपका अकाउंट किस किस बैंक में? कमर्शियल बैंक। और आप दूसरों को किसी और बैंक का चेक देते हैं? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, आप लोग सोच समझ के बात कीजिए। कल आप कहां थे मिस्टर जय वर्मा? डॉक्टर भरत शाह के क्लिनिक पे। आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम बैंड्रा? जी हाँ, लंदन से एक आई स्पेशलिस्ट आया हुआ है, डॉक्टर एलन, उन्हीं के निगरानी में था। ये हाँ ये उनका कार्ड है, आप फोन करके पता कर लीजिए। 6 4 हेलो, मे आई स्पीक टू डॉक्टर भरत शाह प्लीज? यस स्पीकिंग, could you hold on for a minute? Oh sure. Bloody shit. Baat hai. Yes, this is Inspector Sirsat speaking. जी मुझे आपसे ये पूछना था कि कल आपके नर्सिंग होम में कोई मिस्टर जय वर्मा नाम का पेशेंट एडमिट था? Yes, he was under Dr. Allen's observation. Are you sure, doctor? Yes, very sure. Thank you, doctor. कल अगर आप उनके नर्सिंग होम में थे तो फिर वो कौन था जिसने इनसे गहने खरीदे और फरार हो गया? मुझे लगता है कि इस शहर में आपका हमशक्ल मौजूद है। मिस्टर जय, ये बहुत सोच समझ के की गई डकैती है, मुजरिम ने आपकी शक्ल का फायदा उठाया
और जब तक असली मुजरिम न मिल जाए आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये अंधा इस शहर में रहे या बाहर जाए हमारे पैसों का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, हम बैठे हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए। सॉरी मिस्टर जय, हमने आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। नाउ यू कैन गो। अरे हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इत्मीनान रखिए, बाकी काम हमारा है। माँ, सरसत जरा अंदर आओ। सरसत, अभी जो औरत यहां से गई है कौन थी वो? सर, ज्वेल रॉबरी केस के सिलसिले में जिस लड़के को बुलाया था वो उसकी मां थी सर। तुम जा सकते हो सर। ऐसा लगता है उस औरत को पहले कहीं देखा है। मुझे लगता है कि इस शहर में आपका हमशक्ल मौजूद है। इस शहर में आपका हमशक्ल मौजूद है। जिंदा है तू? जिंदा है किशन? अनीता, अनीता, मालका, इधर है। चलो अनीता, फटाफट जेवर उतारो, इन्हें बेच के रुपए अंदर करें। तुम शायद औरत की कमजोरी नहीं जानते, अपनी जान दे सकती है लेकिन सेवर नहीं। अच्छा, तो तुम शायद मर्द की ताकत को नहीं जानती। वो औरत छोड़ सकता है लेकिन जिद नहीं। जेवर निकालो। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते? आप जैसा सोचें। तुम्हें कहने चाहिए ना। हाँ। ये लो, ये भी लो, ये रखो। अरे यार, ये तो सचमुच भड़क गई।
Right, left, right, left, right, left, right, left, left, done. Sir, sir, मुझे मुबारकबाद दीजिए सर, मेरा फोटो अखबारों में छपवाइए, प्रेस वालों को यहाँ बुला लीजिए, मेरे सीने पे एक मेडल लगवाइए सर। ए, क्या तमाशा, ये लड़की कौन है? सर ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे तलाक मांग रही है सर। क्या बात कर रहे हो? सर ये भोले और मासूम चेहरे वाली लड़की लड़की नहीं एक नंबर की जेब कतरी है सर। इसके करतूतों के कारनामे तो स्टार टीवी पे दिखाने चाहिए, स्टार टीवी पे। बीबीसी? देखा, सुना आपने? सर मुझे बताइए, इस पुलिस थाने के आसपास आने से पहले बड़े से बड़ा चोर दो बार सोचता होगा, लेकिन ये इसने तो पुलिस थाने को अपना कमाई का अड्डा बना के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पता नहीं इसे पुलिस वालों के ही मारने में मजा आता है। क्या? जेब। हर महीने के पहले तारीख को ये मेरी जेब काटती है और घर में मेरी बीवी मुझे काटती रहती है। वो समझती है कि मैं किसी बुरे कामों में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मुजरा सुनने जाता हूँ। लेकिन अब सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है मुझे। जैसे इसने मेरा काटने की कोशिश की। क्या? पॉकेट। मैंने इसका पकड़ लिया। क्या? हाथ। ओ, हाथ पकड़ते टाइम थोड़ी सी भागम दौड़ी हो गई जिसमें मेरा ज्योग्राफिया बिगड़ गया। ए लड़की, ये सब सच है क्या? मैं ऐसा कर सकती हूँ? सब झूठ है साहब, सब झूठ है। अच्छी खासी इमोशनल कहानी को क्राइम स्टोरी बनाकर सुना दिया आपको। साहब मैं सामने वाली बस्ती में रहती हूँ और ये हवलदार हमेशा मुझे बेटी कह के बुलाता था, तो इसलिए मुझे भी इसमें बाप की झलक दिखाई देती थी। ए, क्या बकवास कर रही तू? ए, शट अप। आगे बोलो, कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है। साहब हर महीने की पहली तारीख को ये मुझे घुमाने भी ले जाता था। इंटरेस्टिंग। झूठ बोल रही है सर, एकदम झूठ बोल रही है। शट अप, आगे बोलो। कभी पिक्चर, कभी चौपाटी, कभी नए नए कपड़े दिलाता था और कभी नए नए गहने भी, कभी ये तो कभी वो। साहब मुझे क्या पता था कि इसके दिल में पाप है। आपको मालूम है साहब? क्या? ये मुझे घुमाने के लिए होटल में भी लेके गया था। यानी कि क्लाइमेक्स? राम 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 राम, ये सब झूठ। बीच में मत बोलो शेवड़े, बीच में मत बोलो, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, आगे बढ़ो। साहब उस होटल में इसके साथ ये चारों भी मौजूद थे साहब। मैं तो घबरा गई साहब, बहुत घबरा गई। मैंने कहा बापू बापू, ये मुझे कहाँ ले आए आप? तो मालूम है साहब, ये बदमाश, ये निर्लज्ज बोला कि जानी मैं तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। और साहब उसके बाद ये पांचों विलन, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, तेज सप्रू, प्रेम चोपड़ा और कौन था वो, और रंजीत। हाँ हाँ साहब, रंजीत भी, वो भी था साथ में साहब। और ये सब के सब मुझ पे टूट पड़े साहब। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक पे मेरी चीखे, मेरी चीखों पे बैकग्राउंड म्यूजिक साहब, और उसके ऊपर से इन सब लोगों की जबरदस्ती साहब। देखिए मेरी हालत, देखिए साहब मेरी हालत तो देखिए साहब। और ऊपर से इनकी चालाकी सुनिए साहब, अपना गुनाह छुपाने के लिए ये लोग मुझे यहाँ चोर बना के ले आए साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। शेबड़े, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। देवजोपल साहब मैं खरा बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे साहब। नहीं साहब। हट। आज के बाद कोई भी आंख तुम्हें बुरी नियत से नहीं देखेगी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? भैया कहाँ थे आज तक, कहाँ छुपे हुए थे भैया? ओ भैया, मेरे भैया। भैया मैं अगले साल आपको राखी बांधने जरूर आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। ये भाई भी तेरी राखी का इंतजार करेगा बहना। What a sweet girl, innocent, perfect हिंदुस्तानी। ये सब क्या हो रहा है? अरे बंद करो, मुबारक हो मुबारक हो। अरे तेरी वापसी का जश्न मना रहा था, मैंने कहा रात को 11 फकीरों को खाना भी खिलाऊंगा। किस खुशी में बुड्ढे? अरे जब हवलदार तेरे को बारात के साथ पकड़ के लेके गया ना, तो मैंने कहा ये तो गई 4-6 महीने के लिए अंदर, पर कमाल है क्या खूबसूरती से बाहर आई है, जैसे कबड्डी खेलते हुए पाला छू के मैं बाहर आता हूँ। अबे ओ ढक्कन, वो देख, आज इसकी जेब साफ कर ही देती हूँ। बोल लगाता है शर्त? क्यों अपनी जेब की दुश्मन बनी? अरे इसकी जेब काटने के चक्कर में 1000 बार तो मुझे हार चुकी है।
आज नहीं हारूंगी, क्योंकि आज का शगुन बहुत अच्छा है। सुबह इंस्पेक्टर को चूना लगाया, दोपहर को होटल वाले को, और अब इसकी बारी है। बोल क्या बोलता है? एक पे दस का भाव देगी? ठीक है तो लगी 100 रुपए की। हट करके लगाई भी तो सिर्फ 100 रुपए की। अरे चोरी लगाने को मैं 1000 रुपए लगा दूं, मुझे तेरी फिक्र है कि तू चुकाएगी कहां से। अबे ओ बुड्ढे, तूने मुझे क्या अपने जैसा समझा है? तू जेब ढीली करके रख, मैं अभी आती हूँ। पकड़ी गई। ला मेरी जीत के पैसे ला। फिर हार गई तू? क्या करूं, तू जीतने का मौका ही नहीं देता। इस हार में ही तेरी जीत है, तेरा मकसद ही गलत है। क्यों करती है ऐसे उल्टे सीधे काम? हाँ देख यार, अपना कोई बड़ा बुजुर्ग तो था नहीं जो अपने को सिखाता पढ़ाता। वक्त ने जो बनाया आशा बन गई, हालात ने जो सिखाया वो सीख गई, और अब तो हम ऐसे ही खुश हैं। अब मुझे भी खुश कर दो और मेरी जीत के पैसे दे देना। अबे देती हूँ, गला क्यों फाड़ रहा है? ए हीरो हाथ तो छोड़ना। शुक्र करो हाथ मैंने थामा है। किसी दिन किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो तुम्हारी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे आटा पीसते हुए गुजर जाएगी। आटा तो मैं भी पीसना चाहती हूँ, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं, तेरी छत के नीचे। छोड़ दो उन्हें। क्या हुआ माँ? माँ माँ क्या हुआ मुझे? तू सपने में चिल्ला रही थी छोड़ दो उन्हें। माँ 20 साल से मैं सुनते आ रहा हूं, ऐसी कौन सी घटना है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती? अरे पगले, सपने तो सपने होते हैं, उनका हकीकत से क्या संबंध? संबंध है माँ, तभी तो इन सपनों की हकीकत तू मुझसे छुपाती चली आई है। बेकार में परेशान हो रहा है, सपने में मैंने देखा कि चोर के बजाय पुलिस तुझे पकड़ कर ले जा रही है, और मैं चिल्लाने लगी कि तुझे छोड़ दे छोड़ दे। अच्छा उस चोर के बारे में कुछ पता चला? अब माँ ये तो पुलिस ही जाने। ये तो क्या कर रहा है? अपनी प्यारी माँ की सेवा कर रहा हूँ। यह सेवा मुझे मेरे बेटे से नहीं बहू से लेनी है। माँ कोई बदनसीबी होगी जो तेरे बेटे का अंधेरा बांटने आएगी। पगले वो तो ऐसा उजाला लाएगी जो तेरी जिंदगी रोशन कर देगा। मैं ऐसे ही एक लड़की को जानती हूँ जो मन ही मन तुझसे बहुत प्यार करती है। जानता है वो कौन है? आशा। माँ अगर कोई अंधे को रास्ता दिखाने के लिए उसका हाथ अपने कंधे पर रखते तो उसे जिंदगी भर का सहारा नहीं समझ लेना चाहिए। आशा आशा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी हमदर्द बन सकती है, मुझे रास्ता दिखा सकती है, ना कि मेरी मंजिल बन सकती है। मैं ऐसे ही एक लड़की को जानती हूँ जो मन ही मन तुझसे बहुत प्यार करती है। जानता है वो कौन है? आशा। आटा तो मैं भी पीसना चाहती हूँ, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं, तेरी छत के नीचे।
राम भाई जी। राम भाई मैं तेरे को बैठे को बोला क्या? बोला क्या मैं तेरे को बैठे को? उठा के बाहर कर दो उसको। भाई जी माने माफ कर दो, माफ कर दो माने, अब ऐसा नहीं होगा। बैठ। क्या लफड़ा क्या है भाई जी? पुलिस की नजर से कोई भी बचकर रह सके है, लेकिन आपकी नजरों से बच के कोई भी चोर इस शहर में नहीं रह सके है। काम की बात कर। हम लोग लुट गए भाई जी। भाई जी किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5 लाख का चपत देगो हरामी। टोटल 40 लाख का घोड़ा फेराया है उस हरामजादे ने। तो पुलिस के पास जाने का था? वहां से मायूस होकर तो हम आपकी अदालत में आए हैं। सुना है 4 साल को काम आप 4 दिन में कर दे। तो तुम लोगों को वो शाणा मांगता है? आप ही तो है जो मारो कल्याण कर सके हैं। सिर्फ माथा टेकने आए हो या प्रसाद वसाद भी लाए हो? हुक्म करो भाई जी। 10 लाख रख दे। भाई जी 10 लाख कुछ ज्यादा लाके है। अबे ओ चिंदी चोर, उंगली कटाने से अगर हाथ बच सकता है तो उंगली कटा देनी चाहिए, समझा क्या? जी समझ गयो। यो पूरे 10 लाख से ठीक है, 4 दिन बाद आके अपना माल वापस ले जाना। जी जी राम 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 राम। क्या भाई बुलाया मेरे को? आओ, बुलाया। देख छोटे, ये तेरा डायरी जो है ना इसको बंद कर, और मैं जिस रास्ते पे चलता है तो उस रास्ते पे चल, वरना तेरा के भाव में तेरा टिकट कट जाएगा, समझा क्या? ए भाई, अभी तक इस शहर में ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना जिसमें वो आदमी पैदा हो जो भाई के छोटे भाई को छू भी सके। हर आदमी छोकरे अस्पताल में नहीं गटर में पैदा होता है। लेकिन भाई बीच में नहीं बोलने का, तू बीच में नहीं बोलने का जब मैं बात करता है। मेरा खोपड़ी घूम गया ना तो तेरा बोल बचन एक फटके में खत्म कर देगा ताला। आई भाई, मैं आई को वचन दिया था कि तेरे को अपने बेटे की तरह पालेगा, पाला ना? बोल बेटा पाला ना? हाँ तो फिर मैं साला उल्लू का पट्टा तेरे को मारने का सोचा इस हाथ से, इस हाथ से भाई साला ये हाथ तोड़ डालेगा, हाथ तोड़ डालेगा भाई, हाथ तोड़ डालेगा। ए भाई क्या कर रहा है ये? मत कर ऐसा, मत कर। तो फिर तू भी बंद कर दे ये धंधा। लेकिन ये धंधे में माल बहुत है। ए बापू इसका लंगोटी पे मत जा, ये खाली खोल देगा ना तो अखा बॉम्बे को गीला करके रख देगा, समझा क्या? चल बात मान ले इसका, चल। लेकिन भाई मैं सुपारी ले चुका हूं। तो फिर तेरा ये आखिरी केस, उसके बाद में खलास। अरे पन भाई खलास बोला ना बस। ए बापू अभी खलास कर डालने, खलास। जा शाबाश शाबाश। अरे फुटर। बोल बापू। आप उनको छोटे के काम करने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, मैं भाई का छोटा भाई बोल रहा हूँ। बापू आप उन वन एंड ओनली वन पीस है क्या? अपना बड़ा छोटा कोई नहीं। रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? कोई भाई का छोटा भाई था। हेलो। ए हेलो का बच्चा, पूरी बात सुनने से पहले अगर फोन रखा तो दूसरी बार हेलो कहने के लिए मुंह में जबान नहीं रहेगी, समझा क्या? अबे ओ भाई के छोटे भाई, अबे किशन को धमकी देने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, तू है कौन? भाई का छोटा भाई बोल रहा हूँ। किसका है? वही भाई का छोटा भाई। अबे तेरे को तकलीफ क्या है? तकलीफ तो अब तेरे को होने वाली है क्षण, क्योंकि तेरा केस अब अपनी अदालत में आ गया है। कौन सा केस? 40 लाख के जेवर का केस। पुलिस की मार और सजा काटने से तो अच्छा है मांडवाली कर ले। क्या बोला? हाँ
हाँ भाई, भाई के छोटे भाई। हाँ मंडोली ठीक है। दाम बोल भाई, माल 40 का है, 20 में दे देंगे ना? अरे वाह, 40 का माल 20 में क्यों देंगे? ए, तेरे पास खड़ेली छोकरी को बोल, चोरी के माल की कीमत खरीदने वाला लगाता है, बेचने वाला नहीं। सौदा 5 में तय हो गया। भाई भाई 5 तो बहुत कम है ना? जो मिल रहा है उसे मुकद्दर समझ ले। माल के साथ 4 बजे मुकेश मिल पहुंच जाना, समझा? समझ गया भाई। कोई शान पत्ती का इरादा हो तो दिल से निकाल देना, वरना तेरी लौंडिया सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाएगी। जी भाई, सब समझ गया भाई। क्या हुआ? गया 40 का माल 5 में। अरे ऐसे कैसे चला गया? उसके बाप का राजा क्या? ए, तू इन भाई लोग को नहीं जानती, बहुत खतरनाक लोग हैं। इन लोग किसी को भी लुढ़का देते हैं, फिर यमदूत को खुद फोन करते हैं, आ जाना भाई, उठा लेना उसको। इनसे पंगा कभी मत लेना, कमाई गई तो गई। चलाना ऊपर। माल लाया क्या? हाँ भाई, आपका माल तो ये रहा। लेकिन भाई मेरा माल कहाँ? जिंगा, इसे माल दे। पूरे है क्या? हाँ भाई पूरे, देख लो आप। अच्छा छोटे भाई, अपन चलते हैं। हाँ अच्छा, ठहर जाओ। जिंगा सेठ को बुलाओ। सेठ जरा माल देख। भाई जी ये तो सब नकली है। क्या? पकड़ो उस साले को। छोटे भाई के साथ शान पट्टी करता है इशारे। नहीं नहीं अंत्या,
संभाल अपने आप को। मैं इसको बोला था ना मैं इसको छोटा मोटा धंधा नहीं करने को बाला नहीं बाला ही हो गया ना जिंदगी काला सा भी तेरा। अंत्या संभाल रे। लेकिन इसकी मैयत के साथ में एक और मैयत निकलेगा उस छोकरे का साला। अक्का बंबई चान मारो मेरे को वो छोकरा मंगता है वो छोकरे का लाश इधर ही मंगता है मेरे को। वो छोकरे का लाश मिल जाएगा। लाश मिल जाएगा नहीं मेरे को मंगता है अभी का अभी मंगता है वो लाश मेरे को। जाओ तुम लोग जाओ। मिल जाएगा अंत्या आई देख अक्का बंबई मेरे को भाई बोलता है अब मैं किसको भाई बोलेगा। वो देख सो गया वो तेरे पास आता है वो तू उसको पूछना उसको वो मेरा साथ काय को छोड़ा मर गया साला काय को मरा वो। अबे अपने छोकरे के साथ जा और बंबई का कोना कोना ढूंढ मेरे को छोकरा मांगता है जो भाई के छोटे भाई को टपका है समझा क्या। और सुन खाली हाथ वापिस मत आना नहीं तो ये कालिया के डायरी से तुम्हारा नाम कट जाएगा। जा अभी। अबे लमड़े अबे कहाँ कुत्ते की तरह मुंगा बैठा कर क्या रहा तू लबक क्या। अबे चटनी के न टेस्ट है न मजा है क्या फप 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 फोकट फोकट का माल दे दिया है टेस्ट करके देख ये कैसा दे दिया है उल्लू की तुम ढकनी के। अबे लमड़े ढकलू दादा की प्लेट ले गया। हाँ ये प्लेट की रोटी झकास तेज बना के ले आ और जल्दी से ले आ। ला तो ये ले अब ढकलू दादा के आगे ढकेल क्या पहलवान जी। अब चख के देखो इधर मजा आ गया वाह 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 क्या टेस्ट है वाह। अबे 15-20 पे और भेजे जल्दी से। हाँ खाए जाओ पहलवान जी खाए जाओ और फेशियल पर सीने का गुण गाए जाओ। ले बे जा ढकलो दादा को ढकेल क्या जियो। तैयार हो गया लमड़ा। हाय 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 जियो मेरी जान वाह वाह। अरे पास कल के दारू में वो मजा नहीं है जो इस रास कल के भाजी पाव में है। ए चार मीनार एक भाजी पाव लगा रहे मिर्ची मस का डबल। लगता है आज कोई बकरा फंसा नहीं इसीलिए शेरनी घास खाने आई है। सही बोला आज धंधा वाकई मंदा है। सुबह से 5 जेब काटी लेकिन नोट की जगह बनिए के बिल रेलवे के पास या फिर माशूक के लव लेटर और वो भी एक नहीं 10-10। चल बेड़ू 5 भाजी पाव लगा। माफ करना मियां पाव भाजी तो खलास हो गई। भाजी पाव खत्म हो गई तो क्या हुआ आज तो चिकन ही खाएंगे। मैं तो लेग पीस खाऊंगा गुरु। दूसरा लेग पीस मैं खाऊंगा। अपुन को तो सीना पसंद है आज तो सीना ही खाऊंगा। अबे ओ ढक्कन जरा हट के दुकान लगा। मुर्गी चोंच भी मारती है। छोड़ो मुझे। अबे क्या कर रहा हूं? छोड़ो लड़िए को। छोड़ मुझे। अबे तुम्हारी तो मैं कह रहा हूँ छोड़ लड़िए को। भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है? अभी बताता हूँ। प्लीज सॉरी
जय, तुम ठीक हो ना? मैं चलता हूँ। इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? लगता है तूफान आने वाला है। तूफान तो आ चुका है और अभी ये थमने वाला नहीं है।
रात तक। माँ बोल, जवाब दे, बोलता क्यों नहीं? माँ वो कहा था तू? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझे बताए बिना रात तक गायब रहने लगा है? नहीं माँ। हाँ, तुझे मेरा एक पल भर भी ख्याल नहीं आया? नहीं माँ, वो मैं मुझ पर क्या बीत रही होगी? बोल जवाब दे, कहाँ था तू? ऐसी कौन सी कशिश थी जिसने पहली बार तुझे मेरी बेबसी का एहसास भी न होने दिया? बोल जवाब दे, बोल जवाब दे, कहाँ था तू? कहाँ था तू? नहीं माँ, कहाँ इतनी रात तक? बोलता क्यों नहीं? कहाँ था तू? ये कुछ नहीं बोलेंगे माँ जी, मैं बताती हूँ। रात को हम दोनों साथ थे, एक आग सी भड़की, एक बाढ़ सी आई, हम जल भी गए, हम बह भी गए। माँ, ले जाए मेरी बहू की मांग भर। क्या ये सब? क्या इतने लोगों का फौज इकट्ठा किया है? क्या एक साला झींगा पकड़ के नहीं ला सकता है और आप उनको बोलता है भाई बोलो तो अक्खा बंबई का समंदर काली कर देगा? और तू कालिया, तू इसमें को बोला था ना कि वो छोकरे को पॉकेट में डाल कर लेके आएगा? अंत्या देख कालिया, मैं आखिरी बार तेरे को बोल देता है, 24 घंटे में वो छोकरे को तू मेरे पास में नहीं लेकर आया ना तो अपन तेरा रिश्ता खलास। अंत्या, मैंने तेरे को मर्द का जबान दिया, ये अपनी जान पर खेलूंगा लेकिन उसको तेरे पास लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ये लो, माँ आ गई। माँ जी, ये खून कैसा? कैसा खून? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। तो याशा किस खून की बात कर रही है? माँ का पूरा आंचल खून से भरा हुआ है। माँ तू बोलते क्यों नहीं, हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, चोट तो उस बदनसीब को आई और आंचल मेरा खून से भर गया। मैं तो समझी कि आपका खून है। मुझे भी ऐसे ही लगा था जैसे कि ये मेरा अपना खून है। आइए माँ जी, मैं इसे धो देती हूँ, नहीं तो दाग नहीं जाएगा। ये दाग नहीं है बेटी, ये किसी माँ के बेटे का खून है जो उसने बेरहमी से बहाया और उस खून को माँ ने अपने आंचल में समेट लिया। आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे साथ मैं भी अपनी जान दे देती। देख किशन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं तुझे किसी कीमत पे नहीं खो सकती। नहीं चाहिए मुझे ये जेवर, हम उन्हें वो सब कुछ लौटा देंगे।
और ये हेरा फेरी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कौन थी वो औरत जिसने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे बचाया। अरे दूसरों की छोड़, अपनी सोच। यही तो सोचना है। आज की दुनिया में जब इंसान अपनों का नहीं होता फिर उसने एक गैर की जान क्यों बचाई? इंस्पेक्टर साहब जी, कहिए। जी मैं ये पूछने आई थी कि उस चोर के बारे में कुछ पता चला जिसने गहनों की चोरी की थी? आप पिछले दो हफ्तों में हमारे ऑफिस में तकरीबन 10 बार आ चुकी हैं और हर बार उसी चोर के बारे में पूछती हैं, आखिर क्यों? मां हूं ना, इसलिए डरती हूं कि कहीं उस चोर की वजह से मेरा बेटा परेशानी में ना आ जाए। उस चोर की शक्ल मेरे जय से मिलती है इसलिए जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं खुद उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती। मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, आप फिक्र मत करें, हम जल्दी उस चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी नमस्कार। बदमाशों से भर चुकी है। हाँ बहन, कभी पुलिस इनके घर पे आती है, कभी ये पुलिस के चक्कर लगाती रहती है। भाई सचमुच इसका बेटा चोर तो नहीं है? ऐसा ही लगता है। हाँ क्या तूने कसम खा रखी है किशन कि हर युग में चोर बनकर तू अपनी माँ को सताएगा? देखा तूने, तेरी वजह से सिर ऊपर उठाकर जीना भी मुश्किल हो गया है। अगर तू मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते। जय इस समय घर में नहीं है। मैं इस समय जय के बारे में नहीं, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में मालूम करने आया हूं जिसे गुमनामी के अंधेरों में खोए हुए 20 साल हो गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके पति के बारे में बात कर रहा हूं, इंस्पेक्टर प्रताप के बारे में पूछ रहा हूं। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति इंस्पेक्टर नहीं थे। और उस ऑफिसर को मैं अच्छी तरह जानता था, वो ऑफिसर जिसकी बहादुरी की मिसालें हमारे डिपार्टमेंट में दी जाती थी, वो ऑफिसर जिसके दहाड़ने से मुजरिमों के दिल दहल जाते थे। ऐसे पुलिस ऑफिसर की पत्नी के मुंह से झूठ शोभा नहीं देता भाभी जी, बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा कौन सा राज है, वो ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने सीने में छुपाए हुए हैं? क्या वजह है कि शहर में रहते हुए आप एक गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही है? प्लीज भाभी जी, प्लीज प्लीज बताइए, प्रताप कहां है? मर चुके हैं वो, हो चुकी है उनकी, खून हो चुका है मेरे सुहाग का। क्या क्या कह रही है? सच्चाई बता रही हूँ कमिश्नर साहब, जब आपने मेरे अतीत का पन्ना पलट ही दिया है तो इस बदनसीब की वो दास्तान भी पढ़ लीजिए जो मेरे पति के खून से लिखी गई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पति के चर्चे शहर वालों की जुबा पर थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही नहीं 3 वहशदरिंदों को गिरफ्तार किया था। आ, 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 आ,
बंद कर दो सालों को। जिंदगी में पहली बार कोई आज्ञा पर हाथ उठाया, तूने बहुत बड़ा गलती किया प्रताप सिंह, बहुत बड़ा गलती। ये बापू, लोग तो अंत्या से जिंदगी भीख में मांगते हैं, और तूने भीख में मांग लिया अपनी मौत। यू बास्टर्ड, देख लूंगा। हेलो, सुनिए, 4 बजने को आए हैं, रात होने के बाद निकलना है क्या? अरे नहीं भाई, बस अभी पहुंच रहा हूं मैं। आइए जल्दी आइए। अरे कहा ना, अभी आया मैं फौरन। कहां जाने के इरादे हैं इतनी जल्दी? अरे कहीं नहीं यार, बीवी बच्चों को खंडाला ले जाने का वादा किया था, वहीं जा रहा हूं। खंडाला? बीवी बच्चों के साथ? हाँ, और किसे ले जाऊंगा यार, पक्का। अरे तुम भी यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रखवाला है ना तू? आज देखता है तेरी रखवाली कौन करता है। साला, तेरे को मैं क्या बोला था? अंत्या अपना पाई पाई का हिसाब चुकाता है। तू अंत्या को मारा था ना, वही तेरा जान निकालेगा साला। ए बापू, एक मेरी तरफ से भी। जय की आंखों की रोशनी चली गई, मेरा किशन मुझसे बिछड़ गया, मेरे पति की लाश तक नहीं मिली। पता नहीं वो कैसा सैलाब था जो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां अपने साथ लेके बह गया। भाभी जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं? जब मां ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया तो किसी और को क्या बताएंगे? तो तू सब कुछ सुन रहा था? हाँ माँ, आपने सच्चाई छुपाकर एक अंधे को उसके अंधेपन और लाचार होने का एहसास दिलाया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, सब कुछ तो छीन गया है मेरा, तेरे सिवा मेरा और है भी कौन? इसलिए तो सबसे छुपा के रखा था कि कहीं किसी का साया तुझ पर ना पड़े। ये आपने बहुत बुरा किया भाभी जी, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी होकर कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया आपने? अरे क्या कर लेता तुम्हारा कानून, फांसी लगा देता उन दरिंदों को जिन्होंने मेरे बाप को मार डाला। कहा था तुम्हारा वो कानून जब वो दरिंदे मेरे बाप तक पहुंच गए थे? मेरा बाप जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन दरिंदों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। धिक्कार है तुम्हारे इस कानून पर जो मुजरिमों की जेब में एक रुमाल की तरह पड़े रहते हैं, जिसने जब चाह निकालकर अपने गुनाहों के निशान पहुंच लिए। माँ तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तेरा बेटा है जय जिंदा अभी तक, बर्बाद कर डालूंगा सालों को जिसने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया, जिसने तेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मिटा डालूंगा सालों को। जय, नहीं मुझे रोकना मत, मुझे मेरा मकसद मिला। पागल हुए तुम? अपनी इस लाडी से जुर्म को उन खंभों को नहीं गिरा सकते जो दौलत की ईंटों की बुनियादों पर मजबूती से खड़े हैं। सर, ये अंधे की लाठी नहीं है, शस्त्र है जिससे पापियों का सर्वनाश होगा। और तुम्हारा साय भी उन तक नहीं पहुंच सकता। कहां कहां तलाश करते फिरोगे उन्हें, कैसे पहुंचेंगे तुम्हारे हाथ उनके गिरेबानों तक? तुम तो खुद जय, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो ये काम।
मुझे पहले उन तीनों पर शक था। मैंने इंक्वायरी भी की तो मालूम हुआ कि वो तीनों जेल से निकलने के बाद कोहली के घर गए थे। वहां शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। रात भर उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। मैं जानता था कि उनकी गवाहियां झूठी हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जय, ये जंग जज्बात के बारूद से नहीं बल्कि सबूत के हथियारों से लड़ी जाएगी और मुजरिमों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अपने हाथों को खून से रंगने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहती है तू दाता है, मांगने पर सब कुछ दे देता है। मैं पूछता हूं आज तक तूने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया मुझे। अपने पांव पे खड़ा होने से पहले तूने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरी मां से उसका सिंदूर छीन लिया, जैसे उसका किशन छीन लिया। कहीं अपने बिछड़े भाई को ना ढूंढ लूं, तूने मुझसे मेरी आंखें छीन ली। क्या गुनाह किया है मैंने? क्या अपराध है मेरा? आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया बल्कि तुझसे छीनने आया हूं। तेरी ये शक्ति, तेरी ये तीसरी आंख, और ये सब लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा यहां से। तूने भस्मासुर जैसे पापी को ये वरदान दिया था कि वो जिस पे हाथ रख दे वो वही भस्म हो जाएगा, और आज मुझे यही वरदान चाहिए तुझसे। वरना मैं ये हाथ तेरे सर पर रख दूंगा। ओम नमः शिवाय। रुक जा भाई। भाई? हाँ, मैं तेरा भाई किशन। किशन, हाँ किशन, मैं ही वो इंसान हूं जिसकी गुनाह की परछाई तेरी साफ सुथरी जिंदगी को मैला कर रही थी। नहीं किशन, किशन, तू और मां कहां बिछड़ गए थे? अरे बिछड़ते तो इतना अफसोस नहीं होता। उस दरिंदे ने हमें अलग कर दिया, हमसे हमारा बचपन छीन लिया, हमारे बाप को मार डाला, हमारी मां को। उन हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा सालों को। तू फिक्र मत कर, इस जंग में तू अकेला नहीं है। अरे मैं हूं ना, तेरा किशन अभी तक जिंदा है,
तेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। पूरी रात खत्म हो गई, पर तुम दोनों भाइयों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, माँ के एक एक जख्म को महसूस कर रहे थे। आज तक ये मेरी जिंदगी बेमकसद और बेमतलब थी, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया। जिन लोगों ने मेरी माँ को विधवा बनाया, जिन्होंने मेरे भाई से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, जिन्होंने हमारे पिता को वक्त से पहले हमसे जुदा कर दिया,
एक एक दर्द का हिसाब चुकाना उन लोगों से। जरूर लेना मेरे भाई, जरूर लेना हिसाब। लेकिन तू शायद ये भूल रहा है इस रास्ते की मंजिल क्या है। फांसी या मौत, बस। किशन, मैं तुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं तो वैसे ही अंधा हूं, मां पर बोझ हूं। बड़ी मुश्किल से मां को बुढ़ापे का सहारा मिला है। तू क्या चाहता है, मां से ये सहारा छिन जाए? हां जय, मां के चेहरे पर बेटे की जुदाई का जो गम है, उससे कई बड़ा गम उसने अपने सीने में छुपा रखा है। अपने पति की मौत का गम, बाप का इंतकाम अगर बेटे ने ना लिया तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं किशन, नहीं। चल चल तू घर चल, मां तुझे देखकर बहुत खुश होगी। चल। नहीं भाई, मां मुझे देखकर खुश नहीं होगी, बल्कि अपने हाथों से मेरा गला घोट देगी। ये क्या कह रहे हो तुम, कहीं कोई मां भी अपनी औलाद को? तो मां को नहीं जानती आशा, वो मुझ जैसे चोर की शक्ल से भी नफरत करती है। कितना बदनसीब हूं मैं, चार कदम पे मां खड़ी है और उससे मिल भी नहीं सकता। किशन, मां तुझसे नफरत करती है ना, लेकिन मुझसे नहीं। क्या मतलब, तू जय बनकर लाखों के जेवर चुरा सकता है, मां का दिल नहीं चुरा सकता? हाँ, इसका मतलब मैं जय बनकर, हाँ ये ले, ये मेरा चश्मा ले, मैं मां को मिल सकूंगा, मैं मां को मिल सकूंगा। माँ, माँ। अरे आ गया तुझे, कहाँ गया था इतनी सुबह? तुझे याद है ना आज तेरा जन्मदिन है? सब याद है मुझे, इसलिए तो आया हूँ। तो चला तेरी नजर उतार दूँ, चल। बैठ बेटा। माँ, आज किशन का भी जन्मदिन है ना? माँ। हाँ, ये ले, ये खा ले। माँ, तेरी आंखों में आंसू? तू कैसे देख लेता है मेरे आंसू? अंधा हूं तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकता हूं। माँ, एक बात पूछूं? हैं? अगर वो चोर तेरा किशन निकला तो क्या उसे माफ कर देगी? माँ ने न चाहते हुए भी हमेशा औलाद को माफ ही किया है, लेकिन कानून, कानून किसी की माँ नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। कानून तो उसे सजा देगा ही, और किशन हमें मिलेगा तो सही, लेकिन फिर बिछड़ जाएगा। नहीं माँ, इस बार जब किशन मिलेगा ना तो कभी नहीं बिछड़ेगा। न जाने वो कब मिलता है मुझसे। ये आप उनका कालिया शिर के बड़ा साला शहंशाह बनकर चैलेंज देकर गया था कि उस छोकरे को खीसे में डालकर आप उनके पास में भेजेगा। क्या कहा था ना? पन हुआ क्या साला, वो छोकरे ने इसको ही खीसे में डालकर अब उनके पास में पार्सल भेज दिया। इसमें तुम लोगों को चोट नहीं लगा, आंत्या को चोट लगा है। सारा इज्जत मिला दिया तुम लोगों ने मट्टी में आंत्या का। वो इसलिए बापू कि अभी इसका अंदर वो पहले जैसी मर्द वाली बात नहीं रही ने। ए फुटर मल, तू ज्यादा फुटर फुटर मत करना, वरना कालिया ने तेरे को एक फटका दिया ना तो तू कलिंगर की तरह फटकर इसके हाथ में आ जाएगा, समझा? कालिया, आज अपन का माल मर्द पे उतर रहा है, तू उसको संभाल, मैं साला उस टपोरी को संभालता है।
नहीं तो जय कहाँ है? मैं यहाँ हूँ किशन। जय, परसों बाद आज माँ से मिला, पहली बार पता चला माँ की ममता क्या होती है। जी तो चाह रहा था कि माँ को अपने आंखों से अलग ना होने दूँ, उसके पास ही रह जाऊं। अरे तो रह जाना किशन, यही तो मैं चाहता हूं, तू माँ की सेवा करे, उसके पास रहे, ताकि मैं उन पापियों का सर्वनाश कर सकूं। नहीं जय, नहीं, उन तीनों को मैं मिटाऊंगा। अरे तीन कहां है किशन, अब तो दो ही रह गए हैं। दो? दो कैसे? शिरके की रगों में बहता हुआ खून मेरी तलवार पर ठंडा होकर जम भी चुका होगा। इसका मतलब तुमने? हाँ किशन, जिस रास्ते पर तू चलने की सोच रहा है, मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूं। मैं तो अपने हाथों को खून से रंग ही चुका हूं, तू क्यों अपने हाथों को गंदा करना चाहता है? तेरा मतलब मैं बुजदिलों की तरह मुंह छिपाकर जीऊं और तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए? अगर तू भी मेरे साथ फांसी के फंदे पर चढ़ गया तो मां का क्या होगा? सोचा है कभी? सोचा तूने? एक छोटा सा दिया जलाकर अगर कमरे में रोशनी आ जाती है तो पूरा घर जलाकर कोई फायदा नहीं होता। जय, तुमने अपने भविष्य के बारे में तो फैसला कर लिया, मां और मेरे खुशी के बारे में सोच लिया, लेकिन कभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो बस। जय, तुम्हारी पीठ पे खून? शिरके का होगा। तो फिर सबसे पहले इस कमीज को जला दो, वरना पुलिस के कुत्ते सूंघते सूंघते तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ जय, इसे फौरन जला दो। ठीक है, इस शर्ट को जला देते। अरे, मेरा लेटर कहाँ? सर, ये लेटर तुसी अंधे लड़के का है। कौन अंधा? वही जो ज्वेलरी केस में इन्वॉल्व है सर, यू रिमेम्बर? आर यू श्योर? 100% सर, मैंने खुद अपनी आंखों से ये म्यूजिकल लाइटर उसके हाथ में देखा। लिसन टू इट। ओ आई सी। अरे तू उसको क्या बोलता? मेरे को बोलना, मेरे को। किस साले छोकरे का लाइटर है ये? आप उन साला अखा बंबई छान मारेगा और उसको ढूंढ निकालकर इधर ही कवर बनाएगा। मिस्टर अंतिया, कानून आपके बाप का नौकर नहीं कि आपके दिल में जो आप करते रहे और वो आंखें बंद किए देखते रहे। अरे क्या करेगा तेरा कानून? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखता रहेगा। अब जो भी करना होगा ना, माइक करेगा, माइक। कानून से आज तक ना कोई बचा है और ना बचेगा, चाहे वो शिरके का कातिल हो, चाहे वो प्रताप सिंह का, समझे? मिस्टर जय, सिगरेट? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आपको वो लालटेन तो याद होगी जो आप, मेरा मतलब दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए सदा अपने पास रखते हैं। जी लालटेन? मेरा मतलब आपके लाइटर से है। जी लाइटर। मिस्टर जय क्या हुआ, कहीं आपका लाइटर खो तो नहीं गया? या हो सकता है कि आप कहीं भूल आए हो? भूल आया हूं? तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, इस वक्त तुम्हारा लाइटर मेरे पास है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मुझे शिरके की लाश के पास से मिला है। चाहिए सब? मैं तुम्हें शिरके के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार करने आया हूं। यस मिस्टर चाय, एंड आई मीन इट। जरूर गिरफ्तार कीजिएगा इंस्पेक्टर सिरसट, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले आप अपनी ये सिगरेट चला लें। तुम क्या समझते हो कि तुम लाइटर बदलकर कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो? नो मिस्टर जय, नो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं और गिरफ्तार करके ही जाऊंगा, क्योंकि यह समुराय मेरी आंखों के ठीक सामने है जिससे शिरके का कत्ल हुआ था। हो सकता है समुराय से शिरके का कत्ल हुआ हो, लेकिन इस वक्त इस समुराय पर आपकी उंगलियों का निशान। क्या हुआ? आप तो ऐसे घबरा गए जैसे कत्ल आप ही ने किया। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, उन तीन दरिंदों में से शिरके का कत्ल हो गया और कमिश्नर साहब समझ रहे कत्ल मैंने किया। शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल तुमने ही किया है। तो ठीक है,
जाकर सबूत और गवाह की फाइल तैयार कीजिए, और जब तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। जय, मैं आकर हाजिरी दे दूंगा। जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना कि कानून अगर कातिलों का दुश्मन है तो तुम्हारा भी दोस्त नहीं। बेटे, तू ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा है ना जो तुझे नहीं करना चाहिए? नहीं माँ। बोल। वो माँ। नहीं माँ जी, आपका बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो एक बेटे को नहीं करना चाहिए। अरे बापू, बापू ये तमेरे देश में क्या हो रहा है मेरे बापू? पोटरमल जी, मैं यहाँ हूँ, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। अरे इसका बात छोड़ो, इसका तो दिमाग फिरेला है। अपन तुमको ये पूछने को आया है, उस छोकरे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिसका लाइटर शिरके के लाश के पास में मिला था? ये लाइटर उसका नहीं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। तुम किसके बारे में सोचता है? इंस्पेक्टर विजेंद्र प्रताप के बेटे के बारे में। बापू, ये नाम तो पहले सुना हुआ लगता है। सुना ही नहीं, उस आदमी को आप दोनों अच्छी तरह जानते भी थे। आज से 20 साल पहले उस इंस्पेक्टर ने आप दोनों को और शिरके को स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार भी किया था। अरे पन, वो विजेंद्र प्रताप तो मर चुका ने? वो मर चुका है, लेकिन उसका बेटा आज भी जिंदा है। बापू, तो बेटे को भी सुला डालने। अब उन यहाँ प्रताप सिंह का कहानी सुनने को नहीं आया है। कहानी तो तुमको सुननी ही पड़ेगी आनंद राव, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत तुम्ही ने की है और बहुत जल्द खत्म हम ही करेंगे। शिरके जहाँ पहुँच गया है तुम दोनों भी वही पहुँच जाओगे। इसका मतलब मेरे पार्टनर को इसी ने मारा है। अरे बापू, बेटे बेटे मुंह क्या देखते हो, अंदर कर डालने। जिस तरह 20 साल पहले इस बात का सबूत नहीं था कि मेरे पिता का कत्ल किसने किया, उसी तरह इस बात का सबूत नहीं है तुम्हारे पास कि शिरके का कत्ल किसने किया। ए भाई, तेरी ये बुझी हुई लालटेन जो है ना, इसको जरा संभाल के रख, तेरा सुहाग तो उजड़ चुका है, अब तेरी गोद भी सुनी ना हो जाए। दोबारा मेरे बेटे की मौत के बारे में सोचा भी तुमने तो तुमको जान से मार डालूंगी। भाई, ये थप्पड़ अपुन हमेशा याद रखेगा। अनंत राव जो है ना, अपना पाई पाई का हिसाब चुकाता है, तेरा पन चुकाएगा। चल रे पुर्जर। भाभी जी, आप अपने बेटे जय को समझाइए, कहीं ये ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से मुझे। ये बेचारा तो मजबूर है, ये क्या करेगा? करेगा नहीं, शायद कर चुका है। जिसकी मौत लिखी हो उसे कोई नहीं टाल सकता, ना आप ना मैं। उस औरत ने मेरे को थप्पड़ मारा, तू देखा मेरे को थप्पड़ मारा उस औरत ने। अरे 20 साल पहले मैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का बीवी और बच्चे को भी खलास कर दिया होता ना, तो आज मेरे छोटे का जान बच जाता, मेरा पार्टनर खलास नहीं होता। मेरे को थप्पड़ मारा उस औरत ने। अरे अपन चाहता तो उस साली को जमीन में इचकार देता उसी वक्त, पर अपन खामोश रहा, उस कमिश्नर की वजह से अपन खामोश रहा। लेकिन फुटर मेरा बात सुन ले तू, जब तक ये थप्पड़ का मैं जवाब नहीं दे देता ना, मैं बैठेगा नहीं, आराम से नहीं बैठने वाला मैं। अरे उस बस्ती में अंगार लगा देगा जिसमें वो रहता है। मेरा बात सुन ले तू, शांत हो जा अंत्या, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे बापू, नागिन का बिल में हाथ डाल के उसको पकड़ने का कोशिश मत कर, वो नागिन डस लेगा। अरे तो क्या करूं, हाथ में चूड़ी पहनकर बैठ जाऊं क्या? नहीं फुटर, नहीं, अंत्या उसको ऐसी सजा देगा कि वो अक्खा जिंदगी रोएगी और कहेगी मैंने अंत्या पर हाथ उठाया तो क्यों उठाया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बापू के गुस्सा थूक दे, ने मेरा बात को कान खोलकर सुन। देख, समझदार शिकारी शेर के पीछे जंगल में भागता नहीं है, बकरे को नीचे बांध करने खुद मचान के ऊपर बैठकर उसका इंतजार करता है, समझा क्या? क्या मतलब? आज रात से कमांडो होटल में मैं बकरा बनकर जाएगा, ने मेरा शिकार करने को वो उधर आएगा, फिर तो खल्लास बापू, ये बकरा होगा शेर ने अंत्या सवा शेर। भाई, सही वक्त पर लाइटर बदल कर तुमने कमिश्नर की आंखों में धूल तो झोंक दी है, लेकिन अभी तक उनके शक के दायरे से बाहर नहीं निकले। मुझे अपनी नहीं उनकी आजादी की चिंता है, जो हमारे पाप का कत्ल करके अब भी आजाद घूम रहे हैं। जय, होटलमल का पता चल चुका है, वो हर रात को कमांडो होटल में शराब और शबाब का जश्न मनाने जाता है। बस आज की रात के बाद
वो कल का सूरज कभी नहीं देखेगा। लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? कमिश्नर अंकल ने तो तुम्हें घर पे बुलाया। कमिश्नर अंकल ने मुझे घर पर जरूर बुलाया, लेकिन जाओगे तुम किशन? वो पुलिस वाले हैं, फौरन पहचान जाएंगे। मैं किशन हूं, जय नहीं। जब माँ हमें नहीं पहचान पाई तो कमिश्नर अंकल क्या पहचानेंगे तुम्हें? अच्छा चलो माना कि कमिश्नर अंकल ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम फुटरमल को पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है। फुटरमल हर 5-5 मिनट में ब्रूट परफ्यूम इस्तेमाल करता है, और ये लो उस परफ्यूम की महक, अच्छी तरह से पहचान लो। चलो, प्रोग्राम अच्छा रहे।
जो तलवार तू मेरे को काटने को लाया था ने, वो अभी मेरे हाथ में है और उसकी धार पे है तू। बापू बोल, काट जलू क्या? फुटरमल, हाँ। पहले तलवार तो पकड़ना सीख लो, संभाल के पकड़ना, कहीं खुद का हाथ ना कट जाए। पर अभी तो तू कटने वाला है बापू। मुखिया को जवान नहीं दिया होता ने तो अब बीच तेरे दो टुकड़े का डालता। फुटरमल, मेरी कुंडली में मौत का घर लिखा ही नहीं। सच्ची बोला, तेरी मौत का घर तेरी कुंडली में नहीं, फुटरमल की कुंडली में लिखा है। ए अब्दुल, उठा डाल ले। जय, 6 बजे कमिश्नर साहब के घर पहुंचना था, 6 तो यही बज गए। ये आशा अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी माँ, वो मैं आ गई माँ जी, चलो चले। हाँ चलो जय। हेलो बापू, मैं फुटरमल बोलता है। हाँ फुटरमल बोल। अरे आज तो कमाल हो गया अंत्या, कमाल हो गया। क्या तेरी बहन मेरे साथ शादी करने को तैयार हो गई? अरे नहीं बापू, तेरे भाई का जिस छोकरे ने बैंड बजाया था ने, मैंने आज उसका भोपू बजा डाला। किधर है वो? मेरे दांत के नीचे, बोल तो चबा डालूं। नहीं, उसको अंत्या के वास्ते छोड़ देने का, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अपन आता है अपन। आ रहा है तेरा बाप, आ रहा है, आके काटेगा तुझे, जैसे भाई के छोटे भाई को काटा था ना तू, जैसा मेरा दोस्त कालिया को काटा था ना तू, वैसा काटेगा तुझे, बकरे के माफे। छोड़ दे, छोड़ दे। छोकरी सेठ, ये साली उस हरामी की पार्टनर है अनीता, और हमारे अड्डे पे चक्कर लगा रही थी। पार्टनर? क्या बापू तू इसकी पार्टनर है? दिन की पार्टनर है कि रात की? जब भी कोई औरत मेरे को मारती है मैं बुरा नहीं मानता बापू, क्योंकि मेरी औरत भी मेरे को मारती है, पर उसके बाद मैं क्या करता हूं जानती है? मेरे बदन से पसीने का बास आया क्या? ये ले, ये ले, ले। अभी जास्ती हाथ पैर नहीं चला रानी, ये साला अंतिया अच्छा अच्छा माल पहले खुद खाता है ने जूठन मेरे को डालता है, आज फुटरमल अच्छा माल पहले खाएगा ने जूठन अंतिया को डालेगा। आजा मान जा, मान जा, मान जा। अरे जास्ती मत कर बापू, अभी आजा मान जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आ!
कमिश्नर है? ए कमिश्नर, वो साला हरामी का पिल्ला जय जो है, उसने मेरा पार्टनर फुटरमैन को भी टपका दिया है। क्या बात कर रहे हो? वो तो मेरे सामने बैठा है। अरे वो कोई और होएगा। मतलब फुटरमल मरने से पहले हमको फोन किया था कि वो आपको धोखा हुआ है मिस्टर आनंद राव। अरे धोखा मेरे को नहीं होएला है, वो सियाना तेरे को भी टोपी पहना रहेला है। मरने से पहले मेरा पार्टनर मेरे को पूरा कमेंट्री दिया फोन पे कि वो मां का दीना उसके पास में है। अब सुन कमिश्नर, तू मेरा बात सुन। ये पुलिस का ड्रामा सब खलास, भाऊचा धक्का अब मैं शुरू करेगा, तू समझा? हेलो हेलो, चलो मां चलें। हाँ जय, ठीक है। अच्छा भाई साहब, चलते हैं। लगता है कि आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जी मैं समझी नहीं। देखिए ना, जो शख्स लाठी के बगैर कल तक दो कदम आगे नहीं चल सकता था, वो आज। कल और आज में बहुत फर्क है अंकल। कल तक मुझे मंजिल भी नहीं मालूम थी, आज मंजिल भी सामने है और रास्ता भी मालूम है। और शायद ये भी मालूम है कि फुटरमल की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के हत्यारे को एक ना एक दिन मरना ही था अंकल। वो अपनी मौत मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। भाभी जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपका दूसरा बेटा किशन जिंदा है। क्या? और जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मिलते ही उसके हिस्से में फांसी का फंदा आएगा, क्योंकि शिरके और फुटरमल का कत्ल उसी ने किया है। जब किशन को मालूम ही नहीं कि उसकी मां और उसका भाई जिंदा है, तो वह कत्ल क्यों करेगा? हां, कत्ल तो जय करेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसके बाप का कातिल कौन है। अरे ओ झांसी की रानी, कौन बोल रहा है? मेरे को भूल गई? अरे मैं वही आनंद राव जिसको तूने पुलिस स्टेशन में थप्पड़ मारा था। उच्छ। ओ, तुम? हाँ, अपुन। तेरा छोकरा अपुन के जाल में बगैर पानी के मछली की तरह तड़प रहा है। आवाज सुनेगा उसका? ले सुन सुन। आंसू निकल आया ना? अपन का भी आंसू निकला था जब तेरा इस बेटा ने मेरा भाई और मेरे पार्टनर लोगों को मारा था। आज मैं अक्का खानदान से हिसाब चुकाएगा, हिसाब चुकाएगा। मैं तेरे को बोला था ना, देखो। देखने का नहीं सुनने का, तुमको सिर्फ सुनने का। अगर तूने अपनी छाती का दूध दूसरे बेटे को पिलाया है ना, तो भेजो उसको अपन के पास। बचा सकता है तो बचा ले अपने दूसरे भाई को, बोल देना उसको। क्या हुआ मां? लगता है मेरे दुखों का अंत कभी नहीं होगा। मतलब? किशन मिलकर भी हमसे फिर से बिछड़ी जाएगा। हाँ, किशन मिल गया। देवकी की किस्मत ही ऐसी रही, हर जन्म में किशन उससे भागता ही रहा, बार बार उसे चोर कहा गया। देवकी को क्या पता कि कर्ज तक पहुंचने के लिए वो चोर भी बना
तू जानता है जय, किशन ने तेरे पिता के दो कातिलों को मार डाला है, लेकिन आज वो तीसरे कातिल अंत्या के हाथों में खुद फंस गया है। जय, जय एक बार मेरे किशन को मेरे आंखों के सामने ला दे, मैं जी भर के उसे देखना चाहती हूँ। जय, देखना चाहती हूँ। माँ, हे माँ, देख किशन तेरे सामने खड़ा है। माँ, किशन, माँ, तेरा ताकत है ना? हाँ, देख तेरा ताकत अब मेरे हाथ में आ गया। फुटरमल का जान लिया ना तू, कालिया का गर्दन उसके बदन से अलग कर दिया ना तू, इसी से काट काट कर मेरे भाई का जान निकाला ना तू, अब मैं भी जान निकालेगा तेरा, इसी से काटेगा। ये क्या है? खून है ना तेरा? बूंद बूंद करके तेरा बॉडी में से अक्खा खून निकालेगा मैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। चिल्ला और जोर से चिल्ला, मैं तेरे को काट काट कर तेरा जान निकालेगा। ऐसा चिल्लाया होगा मेरा भाई, ऐसा चिल्लाया होगा मेरे दोस्तों। अपन भी तेरे को काटेगा वैसे ही। अंत्या, बस अंत्या, बस तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। मेरे को मारना है, मेरे को मारना नहीं किशन, तेरे को जो मांगता है मैं देगा। क्या दे सकता तू? हाँ, क्या दे सकता है तू? जो मांगेगा तू मैं देगा। हाँ देगा, ठीक है तो फिर दे मेरे पाप की जिंदगी, लौटा मेरे माँ का सिंदूर, दे मेरे भाई की आंखें, वापस कर वो मेरे 20 साल जो मेरे लावारिसों की तरह गुजारे हैं, वापस दे सब कुछ। अपुर, ये कैसे वापस करेगा? जो लौटा नहीं सकता उसे छीनने का भी हक नहीं है तुझे। माफ कर दे। जुदा किया, छोड़ूंगा नहीं तुझे साले, मार दूंगा तुझे।
Stop it! Paul! Arrest them! Stop it, damn it! Stop it! You are under arrest! Nahi chhod do isko, chhod do mujhe! Chhod do! Jay! 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 Jay, tum theek to ho na, Jay? Jay! Ma! Ma, maine maar diya usse! Khatam kar diya, ma! Jay, tum theek ho na? Kishan! Kishan! किशन, किशन। अरे माँ, तो फिर धोखा खा गई। मैं किशन नहीं, जय हूँ। जय? हाँ। नहीं माँ, मैं जय हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है। अनीता, आशा, यहाँ और पहचान लो अपने जय और किशन को। Ha ha ha!